आज एक ज़बरदस्त आसानी से बनने वाली बहुत कम मसाले के साथ एक भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बच्चों के वास्ते स्कूल को भी पैक करके दे सकती हैं, अलग से भी सब्ज़ी पैक करे जा, नहीं तो रोटी के अंदर तुम्हें रोल भी करके दे सकती हैं। तो ऑलमोस्ट ये 1 किलो की भिंडी ली थी मैं। 1 किलो की भिंडी को अच्छे से वॉश कर ले को, कटिंग कर ले को इसकी। पहले हमें सब भिंडी पैक करने बैठे तो हमारे अम्मी उन्हो हमें ऐसा उनके पास जाको बैठ को ऐसा खेल ले को बैठ जाते थे, वो चीज़ याद आया मुझे। तो खैर अब नेक्स्ट क्या कहते, कटिंग कर ले को इसकी पूरी। नेक्स्ट मसाले क्या कहते, 1-3 प्याज और 4 टमाटर होना। टमाटर डालने से वो स्टिकीनेस नहीं रहती भिंडी में, वो फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जब भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़रा 150 से 200 ml तेल में पहले मैं राया दाल को हूँ, अब ज़ीरा ये 1.5 टीस्पून के होते हैं, ये 1 किलो के वास्ते। एक ज़रा करी पत्ता और नेक्स्ट क्या कहते हो प्याज, ये जो 3 प्याज काट को रखे थे वो अच्छा, ये ज़रा लाल होने के बाद क्या करना, इसमें जो टमाटर हमें 4 टमाटर लिए थे उसमें ऑलमोस्ट 1.5 टमाटर ख़राब हो गया था, तो 3-3.5 टमाटर ही है बड़े वाले साइज़ में। तो ये दाल को अब नेक्स्ट हल्दी का पाउडर डालना, धनिया का पाउडर ज़रा मोटा मोटा रहना। 1/2 टीस्पून के होता हल्दी का पाउडर मैं ऑलरेडी दाल को हूँ उसमें, और ये 2 टेबल स्पून के होता धनिया का पाउडर। ये कूट को डाले तो भी चलता या इसे कोर्सली ग्राइंड करके डाले तो भी चलता तुम्हें। नेक्स्ट क्या कहते हो, ये चिल्ली फ्लेक्स आती ना इसमें रेड चिल्ली पाउडर या ग्रीन चिलीज क्या भी यूज़ नहीं कर रहे, तो ये जो चिल्ली फ्लेक्स हैं ये इसे इसका मज़ा बहुत अच्छा रहता, अलग टेस्ट दिखता तुमना। ये रेड चिल्ली पाउडर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ग्रीन चिलीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। चिली फ्लेक्स अगर नहीं हैं तो जो सूखे मिर्चें होती उसे तुम्हें एक बार मिक्सर जार में एक ज़रा 2 बार फेरा मार ले तो बस, और 1.5 टीस्पून के होता नमक डाल को हो, टेस्ट करको बाद में फिर दोबारा डाल सकती। अब इसे तुम्हें ज़रा सॉफ्ट हुए तक ज़रा छोड़ डाल को। नेक्स्ट क्या है, भिंडियाँ डालना जो हमें काट को क्लीन करको वॉश करको जो काट को रखे थे हमें। अब नेक्स्ट ये पूरी 1 किलो की भिंडी पाक करको, ऑलमोस्ट 750 ग्राम्स की होती है अब ये, तो ये पूरा हमें दाल को अब पूरा मसाले में मिला लेना। अब नेक्स्ट एक चीज़ क्या कहते, ये ऑप्शनल, अगर कोकोनट ग्रेटेड कोकोनट डाले तो चलता, मैं कभी कभार दाल को भी बनाती हूँ इसके बगैर भी बनाती हूँ, दोनों का टेस्ट अच्छा रहता। अगर पसंद करने वाले दाल ले सकती हैं, 1/2 कप के होता ग्रेटेड कोकोनट दाल को, ये भी अच्छा मसाले में मिला ले को। 1/2 कट्टा कोथिमीर बारीक से काट को, धनिया पत्ता बोलती ना वो, बारीक से काट को। अब पूरा दाल को इसमें पूरा मिला को 10-15 मिनट्स मीडियम टू लो फ्लेम में रखो, तुम्हें छोड़ेगा तो कवर करको छोड़ो। ज़बरदस्त भिंडी की सब्ज़ी बन को तैयार है। देखो ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छी दिखती है, बच्चों के स्कूल को तुम्हें पैक करने के वास्ते रोटी में फिल करको भी दे सकती, तो बच्चों को खाने ईजी रहता है।